जो हालात है, महंगाई आप देख लीजिए, तेल, साबुन, हर चीज, गैस, पेट्रोल, दाम बढ़े चले जा रहा है। और जो सियासती ताकतें हैं, उनके एजेंट अपनी पॉकेट भर रहे हैं। तो ये बात हमें जहन में रखनी होगी। बहुत दिनों तक हम देख रहे हैं, तमाशा चल रहा है, सिंडिकेट, करप्शन चले चले जा रहा है, लेकिन यहाँ डर की वजह से लोग चुप हैं। अभी समय आ गया है, वक्त आ गया, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। यहाँ पे जैसे हुजैफा मेरे छोटे भाई ने बोला कि सरकार बिगाड़ने, सरकार बनाने का इलेक्शन नहीं है, ये एक जवाब देने का इलेक्शन है कि आप कुछ भी हमारे सामने थोपेंगे, हमें वो मंजूर नहीं है। हमें एक साफ सुथरा कैंडिडेट चाहिए जो आवाम के साथ रहे, मजदूरों के साथ रहे और सबके साथ रहे, सेकुलर जो है, सबको जो है समान दे, भेदभाव नहीं करे। और जो यहाँ पे लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, माइनॉरिटीज हैं और औरतें हैं, सब उनके साथ खड़े रहें और आपकी आवाज असेंबली तक पहुंचाते रहें। जब NRCCA की लड़ाई हुई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और इतना मैंने आप लोगों के लिए जंग लड़ी है, पार्क सर्कस से लेकर दिल्ली तक, चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के। मुझे डर नहीं लगा जब लोग बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरेस्ट हो रहे थे, जेल में बंद कर रहे थे, तो एक महिला होके मुझे बिना खौफ, बेखौफ मैं आप लोगों के चिल्लाई, मीडिया में चिल्लाई, मीडिया से भी हर एक चैनल में मैंने इसके खिलाफ बोला कि ये रोल बैक करिए, ये काला कानून है, रोल बैक करिए। पार्क सर्कस में घंटों घंटों, हफ्ते हफ्ते वहीं पे हम रोज ये आंदोलन चलता रहा। तो आप लोग ये बात मत भूलेगा, आप लोगों के साथ कौन खड़ा है। और हसवा हथौड़ी तारा जो CPM है, हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है, आगे भी इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। ये बात को मत भूलिए कि जब कोरोना काल हुआ था तो रेड वॉलंटियर CPM के लोग घर घर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर कर रहे थे। कोरोना काल में जब डॉक्टर खाने इतने सारे बंद हो गए थे, यही डॉक्टर हुआ था नहीं, मेरे शौहर हर पेशेंट को देख रहे थे और उनको बहुत सीरियस कोरोना हो गया था। अभी माशाल्लाह तबीयत ठीक है, 2 साल हो गए, लेकिन कुर्बानी मत भूलिएगा। और ये लोग जो बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को, आवाम को, जो अलग अलग दल से आ रहे हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल पे देख लीजिए, रंग बदल बदल कर जो आ रहे हैं। और पूरी उम्मीद है वापस BJP में जैसे ही मौका मिलेगा भाग जाएंगे। वो आप अपना जो कीमती वोट वहां नष्ट ना करें, वहां खराब ना करें उस वोट को। और अपना कीमती वोट मैं विनती करती हूँ यहाँ पे दें आप, मैं आपकी कैंडिडेट हूँ, हर सुख दुख में आपके साथ मैं और जितने कांग्रेस है जो जमीन पे काम करें आपके साथ रहेंगे। तो इस बार आप लोग एक पढ़े लिखे इंसान को दीजिए जो आप लोग के साथ रहे, आपकी मुसीबतें समझे और आगे आपकी आवाज को असेंबली तक इंशाल्लाह पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से ये गुजारिश है, आप लोग 12 तारीख को उतरे सुबह सुबह और आप लोग 4 नंबर के बटन पे सारा शाहलीम CPM हसवा हथौड़ी तारा में बटन को प्रेस कर लीजिए। और आप अपने दोस्तों में, पड़ोसियों में, फ्रेंड सर्कल में, हर जगह ये बात फैला लें कि इस साल हम लोग इंशाल्लाह CPM सारा शाह हलीम को वोट देंगे और बहुमत से जिताएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।